हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसी ब्रेकफास्ट की रेसिपी लेकर आई हूँ जिसे बनाना बहुत ही आसान है। इसे मैंने दूध केला से बनाया है। तो देखिए यह कितना सॉफ्ट बनकर तैयार हुआ है। यदि आप चाहें तो इसे इजी घर पर घर के ही सामानों से रखे बना सकते हैं। तो चलिए मैंने इसे कैसे बनाया है बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इस नाश्ते को बनाने के लिए मैंने 4 केले लिए हैं। इसे हम पीस में इस तरह से कट कर देंगे। इस तरह से हम सारे 6 केले को कट कर लेते हैं। सारे केले को मैंने इस तरह से कट करके रख लिया है। अब सबसे पहले हम एक पेन लेंगे और पेन के ऊपर हम हल्का सा बटर को लगाएंगे। चारों तरफ से बटर को हम इस तरह से फैला देंगे। अब इसके ऊपर हम थोड़ा सा चीनी इस तरह से फैलाएंगे। और जो मैंने केला काट कर रखा था उसे भी हम इस तरह से सजा देंगे। देख सकते हैं केले को मैंने अच्छी तरह से पेन में फैला दिया है। अब इसे हम एक साइड में रख देते हैं। अब एक बर्तन लेंगे और इसमें मैंने 1 कटोरी मैदा लिया है। इस मैदा को हम इसमें डाल देंगे। अब इसमें 1 चम्मच हम बेकिंग पाउडर डालेंगे। नाम मात्र का हम थोड़ा सा नमक डालते हैं और इसमें हम 4 चम्मच बटर डालेंगे। बटर मैंने मेल्ट करके लिया है। अब इसमें हम आधी कटोरी चीनी डालेंगे। यदि आप कम मीठा खाते हैं तो चीनी की क्वांटिटी जो है कम कर दीजिए। अब मैंने रूम टेम्परेचर पर दूध लिया है। दूध हम इसे थोड़ा थोड़ा करके ही डालेंगे और इसे हम अच्छी तरह से बिना लम्स के मिलाएंगे। इसे हम अच्छी तरह से फेटेंगे ताकि इसमें कोई भी गुठलियाँ ना रहे। तो देख सकते हैं कि मैंने घोल को अच्छी तरह से घोल लिया है और इसमें कोई लम्स नहीं है। अब इसमें हम थोड़ा सा किशमिश डालेंगे। आप अपने अनुसार और भी ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं। मैं इसमें सिर्फ किशमिश ही डाल रही हूँ। आप चाहे तो काजू, किशमिश, पिस्ता कुछ भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें किशमिश डाला है। अब इसे भी हम अच्छे से फेंट देंगे। अब इस बर्तन को हम गैस के ऊपर चढ़ाएंगे। गैस को मैंने ऑन कर लिया है और गैस के फ्लेम को हम एकदम लो ही रखेंगे। अब जो मैंने ये बेटर रखा है उसे अब हम इसमें धीरे धीरे डालेंगे। इसे हम चारों तरफ से फैलाते हुए डालेंगे। मैंने घोल को डालने के बाद अब इसे हम कवर कर देंगे और इसे 20 से 25 मिनट के लिए हम एकदम लो फ्लेम पर पकने देंगे। तो 20 से 25 मिनट हो चुके हैं। अब हम गैस के फ्लेम को ऑफ कर देते हैं और इसके कैप को खोल देते हैं और एक नाइफ की सहायता से इसे हम चेक कर लेते हैं। इसके ऊपर एक हम प्लेट रखेंगे और इसे हम पलट देंगे। तो देख सकते हैं कि एक तरफ से अच्छी तरह से सिक चुका है। अब इसे हम दूसरे साइड भी सिकेंगे। इसके लिए हम पैन में फिर से थोड़ा सा बटर डाल देते हैं और इसे हम अच्छी तरह से मिला लेते हैं। अब इसे हम धीरे धीरे हल्के हाथों से इसे हम ढककर फिर से 4 से 5 मिनट तक पकाएंगे ताकि दूसरी साइड भी जो है हमारी अच्छी तरह से पक जाए और गैस के फ्लेम को हम एकदम लो रखेंगे। तो 4 से 5 मिनट हो चुके हैं। अब हम गैस के फ्लेम को ऑफ कर देते हैं और इसे चेक कर लेते हैं। तो देख सकते हैं कि हमारा जो नाश्ता है बनकर अच्छी तरह से तैयार हो चुका है। अब इसे हम सर्व कर लेते हैं। तो देख सकते हैं कि हमारा नाश्ता जो है बनकर तैयार हो चुका है। या देखने में जितना लजीज दिख रहा है उतना खाने में ही टेस्टी है। तो यदि आपको हमारी रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।